नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और सैमसंग ने इस हफ्ते A6 और A6 प्लस के साथ अपना एक स्मार्टफोन और लॉन्च किया जिसका नाम है J6 और ये भी एक इन्फिनिटी डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं। अब सबसे पहले मैं इसके बॉक्स को काट लेता हूं। तो ये मैंने इसके बॉक्स को काट लिया है और फिलहाल मैं इस बॉक्स को यहाँ पर रख देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स कंटेंट। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये पड़ा है सैमसंग का एक गुड लुकिंग डिवाइस जो कि प्लास्टिक बैक पैनल से आता है। आप देख सकते हैं फ़ोन की लुक्स काफ़ी अच्छी है, पर एनीवे ये सब मैं आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन में दिखाऊंगा। अभी मैं इसको ऑन करके साइड में रखता हूँ और आपको इसका बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें मिलेगी ये क्विक स्टार्ट गाइड और हिंदी में भी दी है और साथ ही साथ इसमें वारंटी कार्ड भी है। इसको साइड रखते हैं और ये दिया है इसके साथ एक माइक्रो यूएसबी केबल, इसको भी यहाँ रख देते हैं। एक आपको ईयरफोन्स मिलेंगे, सिम इजेक्टर टूल दिया है और ये रहा इसका पावर अडैप्टर जो कि 5 वोल्ट 1 एम्पीयर का है। तो देख सकते हैं कि जब आप इस फ़ोन को मार्केट से ख़रीदने जाएंगे आपको ये सारी एक्सेसरीज इस फ़ोन के साथ मिलेगी। अब इसके डिज़ाइन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इसे काफ़ी शानदार देखने वाला एक स्मार्टफोन बनाया है। काफ़ी स्लीक है ये और 5.6 इंच का होने के बावजूद भी एक कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन लगता है, क्योंकि ये फुल विजन डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है इसलिए इसका डिस्प्ले बहुत बड़ा नहीं आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आप इसका बैक पैनल देख सकते हैं, ये प्लास्टिक बैक पैनल कंपनी ने इसमें इस्तेमाल किया है, लेकिन लुक्स आपको थोड़ी अच्छी लगेगी। उसकी वजह है कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है थोड़ी ओवल शेप में आता है और आप देख सकते हैं कैमरा प्लेसमेंट भी एकदम नीट और क्लीन तरीके से दी गई है। यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। नीचे की तरफ आपको मिलता है ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ ये माइक मिलता है। यहाँ पर इस तरफ आपको एक स्पीकर मिलेगा और ये रहा इसका पावर बटन और ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया। और इधर लेफ्ट साइड पर आपको मिलेंगे ये वॉल्यूम रॉकर कीज़ और ये दो ट्रे दी हैं, यानी इस मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें आपको दो सिम कार्ड के साथ एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनको खोल देता हूँ मैं आपके लिए एक बार। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप एक सिम कार्ड डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं और इस तरफ एक सिम कार्ड डाल पाएंगे। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको मिल रहा है 5.6 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले। कंपनी की ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी आपको हर फोन में एमोलेड टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मुहैया करवाती है। आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले एकदम टच रिस्पॉन्स एकदम इसका स्मूथ है और टेक्स्ट भी शार्प हैं और कलर्स भी आपको अच्छे दिख रहे होंगे। हालांकि ब्राइट सनलाइट में कैसा परफॉर्म करेगा वो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा, पर अभी मैं आपको बता दूं एक बार देखते हैं इसमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के। ब्राइटनेस फिलहाल ठीक लग रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अडैप्टिव डिस्प्ले का ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा, शायद इसमें कंपनी ने एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं दिया। और इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो जिस पर कंपनी खुद के UI के लिए दी गई है। और इसके अलावा इसमें आपको मिलेगा कंपनी का खुद का Exynos 7870 चिपसेट। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगी 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और 3 GB की रैम, और मैंने आपको बता ही दिया कि आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको मिलता है 13 MP का रियर कैमरा, शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी और कई सारे इसमें फीचर मिलते हैं। कंटिन्यूस शॉट है, स्टिकर्स है, ब्यूटी मोड है, प्रो मोड है, पैनोरामा है, नाइट मोड है, HDR रिच टोन दिया है। वहीं अगर हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप इसमें फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में आपको मिलेगा 8 MP का कैमरा, शटर स्पीड काफ़ी अच्छी है, इसमें भी आपको स्टिकर मोड मिलते हैं, आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको मिलेगी ये LED फ्लैश लाइट, ऑन स्क्रीन भी है और अलग से LED फ्लैश लाइट भी दी है, यानी अगर आप सेल्फी का शौक रखते हैं तो ये फ़ोन आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि आपको दो तरीके की लाइट मिल रही है, ऑन स्क्रीन भी और LED भी, तो जब आप अंधेरे में फ़ोटोज़ खींचेंगे तो काफ़ी काम आएगा आपके स्मार्टफोन।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस फोन के स्पेसिफिकेशन फिलहाल डिसेंट लग रहे हैं, हालांकि ये रिव्यू के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये फोन अपने कॉम्पिटिटर्स को मात दे पाएगा या नहीं, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में इसके काफ़ी सारे तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। साथ साथ आपको बता दूँ कि इसमें आपको फेस अनलॉक मोड भी मिलता है। पर एनीवे, फिर भी अगर आपको इस फोन को लेकर कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ हमेशा की तरह आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।